हेलो, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, और आप लोग अपना बताइए। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गांव की कुसुम में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, जो पूजन होता है उसके लिए लड्डू बना रही हूँ। जो मैंने बताया खोया तो जल गया था, इसलिए बर्फी नहीं बना रही, थोड़े से बना ले रही हूँ, 10 या 12। तो मैं आज नहीं बना रही हूँ क्योंकि पता नहीं कुछ दिक्कत है मुझे, इसीलिए मेरी छोटी बहन बना रही है, आज वही बनाएगी। क्योंकि मैंने बताया ना, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसीलिए तो वो यहाँ पर लड्डू बना रही है। शाम का टाइम हो रहा है। और कैसे हो आप सब लोग? आप लोग बताना कि आपकी दिवाली कैसी जा रही है। तो बस वही यहाँ पे लड्डू बना रही है, तब तक मैं यहाँ पे लगा देती हूँ म्यूजिक, ठीक है? तो आप लोग इन्जॉय करिएगा। तो मेरी छोटी बहन यहाँ लड्डू बना रही है, तो वो 7-8 लड्डू उसने बना लिए हैं और बना रही है। तो अभी घर पे कोई है नहीं, तो मैं आज मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा क्योंकि मुझे बहुत सारा काम हो गया था, इसीलिए अभी भी मैं खोया बना रही हूँ। पर मैं अभी उसे 2 मिनट के लिए छोड़ के मैंने सोचा चलो पहले वॉइस ओवर कर देते हैं, उसके बाद करेंगे। तब तक चल, तो ये वो बना रही है लड्डू, ठीक है? फिर जब मतलब रात के 7 बज रहे थे, तब मैं बना रही थी कचौड़ी। तो मेरी छोटी बहन ने रिकॉर्ड किया है, तो मैं कचौड़ी बना रही हूँ यहाँ पे। आप लोग बताना कैसी लगी कचौड़ी। अभी देखो, वो मैंने इतनी सारी बना के रख ली, और ये तेल तेल में ही सेकते हैं, मतलब तेल ही अच्छा होता है, मतलब शुद्ध। हमारे घर पे ही सरसों हो जाती है, तो उसी से कर लेते हैं। बहुत सारा तेल हो जाता है ना, सरसों बहुत सारी हो जाती है, इसीलिए। तो चलते हैं सबसे पहले। मैं और आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे आज मैंने कुछ खास किया नहीं है क्योंकि मेरी इतना थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसीलिए। फिर भी आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे आग जला रही हूँ, फिर मैं अभी कचौड़ी बनाऊँगी। और आप लोग बताना कि आपके यहाँ क्या क्या बनता है खाने में। हमारे यहाँ तो बस यही सुबह पूड़ी, सब्जी, खीर और बर्फी, लड्डू, कचौड़ियाँ, यही सब बनता है हमारे यहाँ पे। तो कुछ भी फेस्टिवल हो यहाँ यही सब बनता है। हाँ, छोले वगैरह भी बन जाते हैं, छोले, राजमा, यही सब है। और क्या बना सकते हैं, आपको पता ही है ना, सब्जियाँ तो वही होती हैं। फिर शाम, फिर ना, फिर उसके बाद फिर मेरे भैया आ गए, तो वो इतने सारे पटाखे लेकर आए थे, ये देखो, लैला मजनू, मतलब अनार बम वगैरह, और ये फुलझड़ियाँ, और अनार, और चकरी बोलते हैं उनको, वो बहुत सारे लेकर आए थे। वो आए थे शाम को 7 बजे। तो अभी देखना, क्योंकि ये मेरी छोटी बहन है ना, वो दिखा रही है, कि दिखा देते हैं चलो आप लोगों को भी क्या क्या। आप लोग बताना कि आपकी दिवाली कैसी गई, कैसा रहा आपका, मतलब कैसे आपने पटाखे वटाखे जलाए। तो वैसे यही दिखा रही हूँ। ये ना बहुत महंगे आते हैं, पता नहीं 380 क्या आता है, मतलब मैंने तो चलाए नहीं। यहाँ पे ये दीपक की वो कर रही है, देखो कितना हंस रही है मेरी छोटी बहन। आप लोग होता ना, और आपके यहाँ कैसे क्या होता है? तो यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर है, वो दीपक में घी कर रही है, क्योंकि 5 दीपक है ना, जो वो घी के जलाए जाते हैं, और जो बाकी है ना 6 या 5 ही, यहाँ 5, और एक बड़ा वाला दीपक होता है, वो उनमें सारे में तेल ही किया जाता है, क्योंकि इतना घी तो हो नहीं पाएगा ना। फिर वैसे तेल ही के दिए जलाए जाते हैं, घी के जलाते हैं 5, और जो पूजा वगैरह होती है उनमें घी के जलाते हैं। तो वो बस यहीं पे घी करी, फिर उसके बाद उसी ने सारी प्रिपरेशन करी है पूजा की, चौक वगैरह। आप लोग बताना आपके यहाँ पे भी क्या चौक ही बनता है? हमारे यहाँ तो चौक पे ही पूजा होती है। फिर वो जो साइड में तस्वीर है वो रखी इधर, ही हमारे बाबा और दादी हैं, जो कि इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये देखो, उसने सारी तैयारी कर दी है पूजा की। फिर यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था, तो फिर मैं चली गई थी मोमबत्ती लगाने। फिर मैं लगा रही हूँ मोमबत्ती, तो मेरी छोटी बहन है, वो भी आई थी, वो रिकॉर्ड कर रही है, देखो पीछे। तो मैंने उससे कहा कि लो तुम भी एक मोमबत्ती लगा दो। तो वो बस वो वहाँ तुलसी के पास लगा रही है एक मोमबत्ती। तो फिर देखो, मैंने उसे जला के दे रही हूँ, मैं उसे, तो वो लगा रही है मोमबत्ती। तब तक फिर क्या, तुलसी के पास भी लगा दी थी, और फिर सारी छत पे लगा दी थी। तो फिर आप लोग देखना कि कैसा नज़ारा है, वो मैं दिखाऊंगी आगे। फिर ज़्यादा ना रात हो रही थी, बहुत 8 बज रहे थे, तो फिर कैमरा ना उतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया। हमारे जो पास में घर है बस, यहाँ पे है तो 4 ही 5 ही घर हैं, बस 5 5 घर हैं बस। देखो उधर से वो दूसरा दूसरा गांव उधर पीछे, तो वहां का हो नहीं पाया। और ये मेरा गांव इधर सामने, ये आपको दिख रहा होगा ना, सामने मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मोमबत्ती। सारी मोमबत्ती लग चुकी हैं, बस 4 या 5 रह गई हैं।
पीछे लगानी, पीछे में लगाने गई तो वहाँ पे हवा चल रही थी, फिर वहाँ पे हो नहीं पाया। देखो अभी भी यहाँ पे बुझे जा रही है, एक तो बुझ गई थी, फिर मैंने उसे जला लिया, फिर मैंने दो लगाई तो अभी हाँ ये दोनों मैंने लगाई, फिर ये दोनों सुबह मतलब शाम को ही बुझ गई थी, तो फिर ये जली नहीं, तो मैं अभी उनको उठा लाई हूँ, जब कभी लाइट जाएगी तो मैंने प्रयोग कर लूँगी। क्या आप लोग भी ऐसा करते हो कमेंट करके बताना। तो फिर क्या, बस मैंने मोमबत्ती लगा दी थी सारी छत, तो फिर मैं आ गई नीचे, और ये मेरी छोटी बहन ने रिकॉर्ड किया। मैं तो सच बताऊँ मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, क्योंकि मेरी थोड़ी ना तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसीलिए। तो अभी गरिया गरिया का अरे तो तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने वहाँ पे रियल वॉइस रखे, जहाँ पे मेरे भैया हैं जो वो कंदील लाए थे एक, तो वो कंदील उड़ा रहे थे, तो फिर एक बार तो वो घर में ही गिर जाता, बच गया, फिर उसके बाद वो उड़ गया। फिर यहाँ पे बाहर हमारे पापा, जो मेरे चाचा के लड़के हैं, वो मेरी छोटी बहन, ये तो इतना फुदकती रहती है दिन भर, अरे जब गाल चल जाते हैं पटाखे, पटाखे क्या अनार बम अनार वगैरह चला रही है, मैं चलाती नहीं, मुझे डर लगता है। ये देखो कितना अच्छा हो रहा है, कितने लाइट हो रही है, ये मेरे पापा वो उधर सामने, ये मेरी छोटी सिस्टर, ये देखो ये अपना अलग ही अनार चला कर आ रही है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। मतलब दिवाली पे तो ये नहीं हो तब तक क्या फ़ायदा, बट मैं चलाती नहीं हूँ। फिर मैं हम लोग आ गए थे घर पर, तो मेरी छोटी बहन ये फुलझड़ी चला रही है, ये देखो इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसको बहुत जुकाम वगैरह, इसका गला बहुत फटा फटा सा, ये और ये मेरी छोटी बहन, ये मतलब मेरी बीच वाली बहन, ये चला रही है, चक्री बोलते क्या बोलते इसे, वही चला रही है, फट भी जाती है कभी कभार, कभी कभार नहीं फटती। तो यहाँ पे मैंने जंगले से रिकॉर्ड किया हुआ था कि रिको, फिर ये मेरी छोटी बहन है, वो आरती ले रही थी, वो पूजा कर रही थी ना, इसलिए मेरे पापा ने पूजा करी, पूजा का रिकॉर्ड नहीं किया। क्या करना रिकॉर्ड, क्या पूजा तो नहीं कर सकते ना, सारे लोग पूजा में बैठे थे इसीलिए। तो बस यहाँ पे मेरी वो वाली दूसरी वाली बहन है वो कर रही, फिर मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि कैसे क्या किया है। और मैंने पूजन वाली थाली तो मैंने दिखाई नहीं रेडी करते हुए, मुझे पता ही नहीं था, मुझे याद ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो बस ये दी, हाँ ये रही पूजन वाली थाली, और क्या आप लोग बताना, हैप्पी दिवाली सबको। फिर यहाँ पे आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी स्वीट खा लीजिए। ये मेरे डब्बा, ये डब्बा मेरे भैया लाए थे। अगर आप लोग, आप सभी को हैप्पी दिवाली मैं दिखा रही हूँ, आप सब लोग आ जाइए और आप सब लोग भी खा लीजिए मिठाई। आप लोग बताना कैसी लग रही है कमेंट करके, ठीक है। इसके बाद सारा पूजन वूजन होने के बाद सारे लोग सो गए थे, क्योंकि मैं तो खोया बना रही थी, और मेरी छोटी बहन है जो बीच वाली, मतलब हम दोनों साथ साथ ही सोते हैं, तो इसीलिए वो मेरे बगैर नहीं जाती, तो फिर वो मेरे पास बैठी रही। तो उसने सोचा बहुत सारे चक्री वगैरह, तो उसने सोचा चलो मैं चलाती हूँ, तुम मेरा रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो फिर बस वही चला रही है, फिर 9:30 बजे सारे लोग तो सो गए हैं, पर क्या इतनी जल्दी सोना, मैं तो सोई थी 11 बजे, क्योंकि मुझे खोया बनाना था। मम्मी थक गई थी तो मम्मी सो गई थी, वो चला रही है यहाँ पे फिर से एक चकली चला रही है। उसे पता नहीं कितना अच्छा लगता है ये बच्चों वाले काम, बहुत करती है, बहुत शरारत करती है। तो आप लोग बताना कि आपके यहाँ आपकी छोटी बहन कैसी है, आप कमेंट करके जरूर बताना। फिर मैंने सोचा खिलाओ मैं भी चलाऊँ, वैसे मैंने तो अभी तक सच बताऊँ मैंने एक भी नहीं चलाया। फिर मैंने वो चिल्ला रही थी, वो कही थी क्या ये तुम दो जला रही हो एक साथ में, एक ही एक जला, फिर एक बुझ गई, मैंने सोचा उससे दूसरी जला लूँ, पर वो जली ही नहीं। फिर चूल्हे में ना, मैंने बताया कि मैं खोया बना रही हूँ, तो वहीं पे मैं कर रही थी। तो आप लोग फिर उसके बाद फिर मुझे तो मेरा खोया बनाना ही था, तो मैं वो बना रही हूँ। 9:30 या 10 बज चुके हैं, और आप लोग बताना कि आपके यहाँ पे भी दिवाली पे जो
ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ तो, कि काजर जो मतलब दीपक जलता है उसी में चम्मच में मतलब उसके आगे उसके सामने लगा दो लौकी आगे, तो फिर वो मतलब काला काला काजल सा बन जाता है, तो वो आँख में लगाना जरूरी है हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो छछूंदर, जानते हो आप लोग छछूंदर, छछूंदर का जन्म मिलेगा ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो बस मम्मी ने किया नहीं, मेरी वो बहन है ना मेरे से छोटी है, उसी ने किया, फिर उसी ने सबके काजल लगाया, फिर आगे देखना आप लोग खुद भी लगाया काजल। हाँ कंदील के बारे में बताने भूल, कंदील तो काफ़ी दूर तक गया था, आप लोग बताना कमेंट करके कैसा लगा, आप लोगों ने भी क्या कंदील उड़ाए थे या नहीं। तो बस यही मेरा खोया पूरा बन चुका है, मैं कितना हंस रही हूँ, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं हम दोनों बहनें मिलकर। बस वही मेरे साथ थे सारे घर में, मेरे भैया मम्मी पापा, मेरी छोटी सिस्टर की तो तबीयत ख़राब ही है बहुत ज़्यादा, उसे बहुत जुकाम बुखार रहता है, तो इसीलिए तो वो नहीं थी, वो सो गई थी। फिर यहाँ पे मैं खोया बना रही थी, मैंने बताया कि मतलब 11 बज रहे थे तभी मैं सोई थी, तो अभी बज रहे हैं 10:30 बज रहे, अभी अभी मैं वॉश ओवर कर रही हूँ, तो इसीलिए सॉरी आपको वीडियो आज बहुत ही लेट देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद मेरा सारा खोया बन गया था, फिर क्या इसी बात पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपके अपने चैनल गांव की कुसुम को सब्सक्राइब करें। फिर ये खोया ना यहाँ पे गिर रहा था, तो फिर मैं उसे भर रही थी, फिर मैंने उसे भर के रख दिया। इससे पहले वाला खोया तो आपको पता ही है, मैंने बताया मेरा पूरा जल गया, तो मैं आज उसके बनाऊँगी गुलाब जामुन। तो चलते हैं आज देखते हैं, रेसिपी उसकी मैं अलग से दूँगी गुलाब जामुन की। फिर यहाँ पे मेरी छोटी बहन है, वो सबके लगाने के बाद फिर वो अपने खुद के लगा रही है काजल, तो आप लोग बताना इसी बात पर। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।